तो भाई मुझे यहाँ पे लिफ्ट मिल गई 15-20 मिनट में। आग ताप रहा था तब तक कि भाई लोग आगे लिफ्ट दे दिए। हरियाणा के भाई, सारे भाई लोग हरियाणा के, और भाई इनका अलग ही एडवेंचर चलता है, एक लेवल का चलाते हैं लोग, गाड़ी भी और करते भी एक लेवल का मौज। अभी यहाँ भुंतर तक जाओगे ना भाई आप, मनाली सीधा, यहाँ तो भुंतर पड़ेगा बीच में, है ना। तो भाई भुंतर तक का लिफ्ट है, भुंतर के बाद में बस लेके देखूँगा कहाँ जाना है। अभी तक सोचा नहीं है, घर जाने का मन नहीं कर रहा है, देखूँगा कहाँ जाना है। तब तक आप नज़ारे देखो रोड के। हम यहाँ पे रुके ढाबा पे थोड़ा कुछ खाने पीने के लिए, भाई लोग खाने जा रहे हैं। और अपनी गाड़ी की हालत ऐसी है, ये गाड़ी कुछ 2 या 3 दिन पहले ठुक गई थी, बता रहे थे देखो भाई यहाँ ठुकी थी ये गाड़ी। तो भाई लोग फुल मौज ले रहे, और भाई यहाँ व्यू देख लो, ये व्यू है। अब तो मुझे जाना था भुंतर, लेकिन अब मेरा प्लान बदल गया, अब मैं जा रहा हूँ मनाली। मौसम तो वैसे भी ख़राब हो गया, लेकिन कैसे भी कर गया जाना है मनाली। जाने वाला तो था नहीं वैसे, क्योंकि एरिया भाई मुझे ठीक नहीं लगा, थोड़ा कमर्शियल और महंगा एरिया है, तो मैं वो उस जगह पे जाता नहीं हूँ। लेकिन अब बोला जा रहे, नाम है तो चलो एक बार हम भी देख के आ जाते भाई, क्या नाम है उसका, क्या है वहाँ पे। और भाई नज़ारे बहुत दिल खुश कर दे रहे हैं यहाँ के। और सर जी क्या क्या मिलता है यहाँ पे, क्या क्या मिल जाएगा मिलेगा, पराठा कितने का आएगा? 30 रुपए का। अच्छा, तो यहाँ पे ये सब सारे सामान मिल जाएंगे। कार्तिक ढाबा पे आ जाना, एक बार मिल लेना, सर जी रहेंगे। नाम क्या सर जी आपका? मेरा नाम गंधारी। अच्छा, गंधारी नाम है इनका, आ जाना, हम भी एक पराठा लेते हैं यहाँ पे। तो हो गया अपना नाश्ता और निकल लिया हम लोग यहाँ से। अब सीधा भाई कहाँ रुकेंगे जाके? मनाली। अब सीधा मनाली। कैसा था भाई खाना? अच्छा था, बढ़िया था, बढ़िया, एक नंबर खाना बनाया था इन्होंने, और सस्ता भी था, अच्छा था। कितना? 45 रुपए का पड़ा था पूरा मक्खन के साथ, है ना भाई? हाँ भाई। और चाय था 20 रुपए का, अच्छा था। चार का 300 में हो गया, सबसे सस्ता ये मिला मैं तो। सबसे सस्ता भाई तुमने नाश्ता किया रहेगा पहली बार यहाँ पे? पहली बार तो 280 में हो गया। तो भाई लोग ने यहाँ पे जब से 4 दिन हो गया तुमको घूमते घूमते, और सबसे सस्ता पहली बार यहाँ पे नाश्ता किया, नहीं तो सारा 500 के ऊपर ही रहेगा भाई। इधर हम सोलंग वैली पहुंच गए मनाली छोड़ के, और यहाँ पे हम एडवेंचर ट्राई करने वाले। अभी हमारी गाड़ी यहाँ पे पार्क हो रही है फिलहाल। सही, इधर ले थोड़ी, इधर काट लो। हाँ, धक्का देनी पड़ेगी क्या? तो बर्फ में फिसल रही है ये। नहीं जा रही है। गाड़ी लग नहीं रही यार, यहाँ पे लोचा हो गया है, पूरा ट्रैफिक जाम हो गया यहाँ पे, देख सकते हो।
कौन है सर? चलो नहीं लग रही गाड़ी अपनी इधर। बैग ले लो और बैग ले लो, बैग लग सीधी कर लो। राम से बोला के तू ये डेढ़ घंटे का जाम है आगे मत ही जाओ। तो फिर अब अपन तो चलते वो आते रहेंगे दिल्ली से। या तो इनको बोल दे गाड़ियाँ के लिए तो भाई यहाँ पे हमें बहुत अच्छा डील मिला था 300-300 रुपये में। एक जान को यहाँ पे जिप लाइनिंग करा जा रहा था 1200 मीटर अपलाइन अप डाउन, लेकिन अब गाड़ी यहाँ पे रुकी नहीं, तो हम आगे जा रहे। तो अभी हम आगे को जाते हुए और भाई ठंड बहुत लग रही है। चलो भाई बैठ चलो अंदर। डील भाई अच्छी मिली थी लेकिन सीन हो गया, गाड़ी नहीं खड़ी हुई। बर्फ में चला है, घूम यहाँ पे। अच्छा तो इधर पे टेट अगले जाते बर्फ में। हाँ। जो टेट तो उस पे था, चल जाते आराम से। ओ भैया ये है ठीक ठाक लंबी 1200 मीटर ही है भाई, ठीक ठाक नहीं होगी। हम मतलब वैसे बाबा मैं है तो को हम बता दो तुम रूसी के साथ तो या पार्टी वा पार्टी चला दे। मैं सही की आगे मेरे ख्याल से है नहीं, रोक नहीं दिख रहा है। यहाँ हो गई ये दिक्कत, आगे तक पूरा जाम ही जाम है देख रहे हो, और हमें यहाँ पे पार्किंग का जगह नहीं मिल रहा है और ना ही जगह है कुछ, पता नहीं कहाँ जाए। आगे से पूरी गाड़ी वापस आ गई क्योंकि आगे बंदे 2-3 किलोमीटर तक आगे जा सकते हैं, उसके बाद बंदे। तो फिलहाल प्लान चल रहा है किधर किधर पार्क विर्क करके निकल ले कहीं पे। भाई ये देखो प्लान है ना, ट्राई पूछ भी जो प्लान है ना, बंदे इधर लग रहा है। उधर से नहीं चढ़ेगी, नीचे से वहां से लेके पीछे से। ओ भाई सुन मेरी बात, ठंडा तू आ गए तू पार्टी में बना हुआ है। अरे तेरा आ जाएगी लग जा बैठ नहीं रही यार कुर्सी या मर्जी। इधर से नहीं चढ़ेगी, पीछे ले गया आगे यहाँ से चढ़ेगी भाई वो। भाई कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा, पता नहीं कहाँ लगेगी। और भाई टेंशन में लग रहे हो तुम भाई कुछ ही। यो देखो भाई यो गाड़ी हमने यहाँ पे लगा दी अपना। हद एक घंटे बाद हमें यहाँ पे पार्किंग मिला, जब से मैंने पहले वीडियो बनाया था। अभी हम जा रहे हैं भाई जिपलाइन की तरफ। भाई आगे आगे जा रहे, मैं तो नहीं करूँगा भाई, हो सके तो करे, पता नहीं इनका प्लान बार 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 प्लान इनका बन रहा है कैंसिल। और यहाँ पे स्नोफॉल चालू हो गई है, ये देखो भाई स्नोफॉल हो रही है, वो भाई स्लिप हो रही है। चल रहा तू बता। नहीं नहीं भाई तुम ही जाओ। वैसे भाई ये कितने मीटर है? बड़ा ये यहाँ पे वो सबसे क्या बड़ा, आगे तो 1200-1300 लिख के रखे लेकिन है नहीं भाई, ऐसा बोल रहे। और भाई तैयार होते हुए यहाँ पे अपने भाई बर्फ गिर रही है, बर्फ और ठंड लग रही है, ऊपर आने का है कहीं पे और गिरते पानी बन जा रहा है भाई। नहीं भाई ये देखो भाई अभी आगे बस आने दे रहे थे गाड़ी किसका। अरे मजा आया रे, मजा भाई गिरने वाले को रोकने की कोशिश करते थे भाई। ये देखो यहाँ से जाएंगे और उधर उधर बहुत दूर यार। रुक जा रुक जा ले भाई रुक जा रुक जा इसको तो ले भैया। हाँ जोड़ से पकड़ना भाई गिरा के वाला, ऐसा करके ऐसा रखियो जोड़ से और इधर उधर भी दिखाइयो भाई सीन। ठीक है सीन भी दिखाइयो इधर उधर एकदम जोर से पकड़। अरे ऐसा
इसको ले जाओगे ना ठीक है बॉडी पीछे बाहर को टच मत करना जब चले ठीक है ना भैया बाहर को टच मत करना ठीक है चलो तो यो भाई अभी समय हो रहा है शाम के 6 और -1 डिग्री सेल्सियस चल रहा है इधर तो वहाँ पे कितना चढ़ता है पता है तोश में कितना चल रहा था तोश में तो कितना -3-4 चल जा रहा था भाई तोश में तो रात और भाई यहाँ पे चल रही है भाई लोग की अपनी पार्टी फुल मजे में कौन सी भाई बर्फ कौन सी यूज कर रहे हो ये स्नो फॉल वाली भाई बर्फ यूज हो रहा है भाई सोलांग वैली वाली देखो भाई ये देखो भाई ये पैक के साथ मारेंगे हम मैं नहीं पीता भैया 100 पाइपर के साथ हां ये 100 पाइपर 100 पाइप लो है मजा मनाली और सोलांग का भाई चलो भाई अब मिलते हैं आपको ये सब पार्टी पूटी करके भाई अपना खा के हो गया है और भाई बहुत टेस्टी बना था कितने में थे सर पाव भाजी 150 रुपये ये है 50 150 वो चीज़ के दे देंगे भाई ठीक है चीज़ फिंगर के ना हाँ जी लेना नहीं किसी ने कोई लेता है क्या चल जाएगा ना सर जी फटा हुआ कितना है चल जाता है सर जी ये दूसरे की इधर से भी एक की जाए इधर ही पड़ा है सर जी ये नहीं चलेगा भाई कोई लेता है चल जाएगा सर जी के लोग कहाँ चलेगा चल जाएगा आपके इधर आते थे यहाँ नोट का ठक्कर करके है और है और नहीं और नहीं है इतना नहीं हो सकती आपके पास एक ही नोट हो और ठीक है भाई यहाँ पे फटी हुई नोट नहीं चलती लोग कड़क ये तो चल जाएगी ना सर जी पक्का चलेगी अच्छा चलो भाई ये ले लो सर जी आप इसको मैं चला दूंगा किधर को बैंक में तो चलेगी ना यहाँ बैंक में क्या ये तो रोड पे भी चल जाएगी आपके इधर नहीं चल रही है वो मैं चला दूंगा कोई टेंशन नहीं उसकी यो भाई अभी पता नहीं क्या करेंगे हम कोई ठिकाना नहीं नहीं पता कहाँ जाएंगे कुछ नहीं पता कहाँ आए थे कुछ नहीं पता बोला था ना आपसे अभी कुछ पता नहीं तो भाई ये हम आ गए माल रोड है ना माल रोड यार ये देखो नजारे यहाँ के रात हो रहे और यहाँ पे भाई ट्रैफिक जाम है पूरी तरह से रिंग रिंग के आ रहे हैं इसके हम लोग आ गए भाई रूम ढूंढने के लिए अब देखते हैं रूम कहाँ मिलता है कितने मिलता है ये देख लो भाई मजे देख लो माल रोड के सेम यार शिमला में तो दम है देखा जाए तो सोलांग वैली में ज़्यादा दम है शिमला में भी दम है अगर पार्टी पुटी करना है तो मजा आ गया भाई आज हरियाणवी लोगों के साथ पार्टी वीटी करके कहाँ पे है रूम रूम नहीं है नहीं नीचे मिल जाएगा और नीचे जाए तो भाई रूम मिलना मुश्किल हो रहा है मनाली में भाई सीधा मनाओ जा रहा नो नीचे ही चलते भाई नीचे ही मिल जाएगी अच्छे से हाँ यहाँ पे आप भाव भी बढ़ गए रहेंगे भाई ज़्यादा क्योंकि फुल चल रहे सारे सर जी नीचे ही चलते हैं उधर मिल जाएंगे गुड मॉर्निंग दोस्तों अभी समय हो रहा है सुबह के 7:15 और मैं खड़ा हूँ चंडीगढ़ बस स्टॉप पे और नज़ारा कुछ ऐसा है सुबह का अब आप सोच रहे होंगे कि रात में तो ये होटल ढूंढना था और कैसे पहुंच गया चंडीगढ़ इतना जल्दी यहाँ पे मेरे टोटल ट्रिप का मैं खर्च बता दूँ टोटल ट्रिप का मेरा खर्च हुआ यहाँ पे 3,000 रुपये पूरी तरह से 3,000 रुपये अभी मेरे जेब में 1 रुपये तक नहीं है पूरा नील हूँ मैं
तो फिर मैं तो सोच रहा था ट्रेन से चला जाऊँ, लेकिन अब मन बदल गया, मैं ट्रेन से ना मैं हिचाई करके मुंबई जाऊँगा, जो कि यहाँ से पड़ रहा है 1600 किलोमीटर के आसपास। अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ से हिचाई करके जाओ, जो कि एक एडवेंचर भी हो जाएगा, मज़ा भी हो जाएगा। ट्रेन से जाऊँगा बोरिंग से बैठे बैठे, जैसे आया था वैसे ही। तो बोला भाई नहीं, अब हिचाई करके जाऊँगा।